तो बाबा अभी कर लेते हैं बात वापस से इसके बारे में, किसके बारे में, इस सवाल के बारे में। देखो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगले सवाल करता हूँ। बोलो। एक बार बताओ ना सर, हाँ जी एक बार चलो बताओ। चलो चलो चलो, देखो सवाल की शुरुआत हाँ करते सर हैं। सवाल की बताओ। शुरुआत में हमने क्या देखे थे? दो डाम देखे थे, है ना? और दो डाम के बीच में एक तार रखी हुई थी। तार के बीच में बैठ गया कौन? कबूतर। ठीक है, तो दो डाम्बों के बीच में ये जो दूरी थी वो कितनी थी? बोलो। डाम समझते हो ना? हाँ यस हाँ सर, हाँ लॉटी, एल नॉट हाँ थी। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? बोलो। एल नॉट है। और रस्सी की दूरी जो अपन ने वायर रखी उसकी दूरी भी कितनी है? बोलो। एल नॉट है। तो वो जो सेपरेशन है वो एल नॉट और एल नॉट इस तरह से बन गया है। चलो ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मतलब एल नॉट बन गया है टोटल। अब एकदम बीचों बीच अपन ने बिठा दिया है कबूतर। अब कबूतर बिल्कुल हल्का सा होता है, देखा होगा ना तुमने, कभी तो उड़ता है बेचारा। हाँ जी। तो अब मैं देखता हूँ कि कबूतर को अगर रख दिया तो तार हल्की सी नीचे शिफ्ट हो चुकी है एक्स। हमारी जो स्ट्रिंग है, ये जो वायर है, ये कुछ हल्का सा एक्स शिफ्ट हो चुका है। अब सवाल में पूछा था कि बताइए ये जो सेंटर पॉइंट है वो कितना नीचे शिफ्ट होगा, एक्स की वैल्यू बताइए। ये सवाल में आपसे पूछा गया था। ओके, तो अब कबूतर यस बैठ सर, गया। कबूतर बैठ गया तो यहाँ बैठ गया। अब कबूतर बैठ गया तो वायर नीचे आ गई। वायर नीचे आ गई तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर बैठा है उस पॉइंट का हम FVD बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दो प्रकार के टेंशन, आसपास के और MG जो है वो नीचे लगा हुआ है। MG का फोर्स नीचे लगा हुआ है। तो सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स बोलो कितना होगा? जीरो जीरो। तो यहां पर देखते हैं कबूतर में ऊपर फोर्स लगता हुआ कितना, 2T sin थीटा, और नीचे फोर्स लगता हुआ कितना, Mg। तो यहां से हमारे पास जो नेट फोर्स बन जाएगा दैट इज 2T sin थीटा ऊपर, Mg नीचे, और नेट फोर्स जीरो। तो T बराबर Mg/2 sin थीटा। चलो यहां तक तो पहुंच गए। रस्सी में बनने वाला अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो वो है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना है वो तो टेंशन है, यानी कि टेंशन अपॉन एरिया। समझे क्या? हाँ सर, चलो ठीक है, तो हाँ रस्सी में सर, जन हाँ 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 सर, रस्सी में जो बनने वाला है टेंशन यस वो बन चुका है T, और यहाँ पे स्ट्रेस जो बनेगा वो है टेंशन अपॉन एरिया। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस रस्सी का आधा पोर्शन को ही ध्यान में रखता हूँ। सर पूरे को क्या ध्यान में क्यों नहीं रखा? अरे कोई बात नहीं ना बाबा, आधे रस्सी का टेंशन इसी में सारा यंग्स मॉडुलस लगा देंगे या सारा हुक्स लॉ इसी पे लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना है। ठीक है, हाँ तो सर, इसकी हाँ इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल नॉट बाई टू, और चेंज इन लेंथ मैंने कह दिया डेल्टा एल। तो मैंने कहा स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट अपॉन टू। सही है ना? बोलो। हाँ सर, ठीक हाँ है, सर, तो यहां पर मैं यस देखता हूं कि बाबा फाइनल लेंथ अगर देखी जाए, है ना, फाइनल लेंथ अगर देखी जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास पाइथागोरस बाबा बता के गए थे कि ये अगर एक्स है, ये अगर एल नॉट बाई टू है, तो ये जो हाई ये डायगनल बना हुआ है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बना हुआ है, कितना हो जाएगा? दैट वुड बी अंडर अंडर रूट रूट एक्स ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू प्लस का एल होल नॉट बाय स्क्वायर। टू, एल एल नॉट नॉट बाय बाई टू टू एल एक्स नॉट बाई स्क्वायर टू का होल स्क्वायर। तो ये होल आ चुकी है स्क्वायर। हमारे पास में, ये आ चुकी है हमारे पास में फाइनल लेंथ माइनस एल नॉट बाई टू, ये है इनिशियल लेंथ। तो ये क्या आ चुका है? दिस इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इज इट क्लियर? यस सर, हाँ जी। तो यहां से हाँ हमारे सर, पास यस में मैंने क्या कर दिया, एल नॉट बाई टू जो था ना दोनों को इधर से डिवाइड कर दिया, ये एलसीएम से हटा दिया। तो दिस माइनस एल नॉट बाई टू डिवाइड बाय एल नॉट बाई टू, तो कितना आ गया? वन आ गया वो तो। हाँ सर, ठीक समझा। है, अगर ये वन आ गया तो मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ, फिर ये एल नॉट बाई टू को मैंने अंडर रूट के अंदर में फिट कर दिया, तो अंडर रूट के अंदर में फिट कर दिया तो ये एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर आ चुका है। सही है यहां तक? फिर से बोलो ना, यस ये सर। पॉइंट, यार एक चीज यस बताओ, सर, मैं हाँ सर, कहता हूं रूट ओवर 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट ओवर 5/2 का स्क्वायर। हाँ सर, तो यस बिल्कुल सर, वही लिखा हुआ है कि ऊपर अंडर रूट था, एल नॉट बाई टू बाहर था, तो उसको अंडर रूट के अंदर ले गए तो उसको स्क्वायर करके अंदर लेके जाना पड़ेगा। समझे सर, हाँ ठीक है, सर, तो मैं अगर करता हूं यहां पर
ये क्या बन चुका है, ये एल नॉट बाई टू का स्क्वायर को दोनों जगह डिवाइड करवा दिया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन आ गया। फिर सात में माइनस वन तो हमारे पास था ही, सात में माइनस वन तो हमारे पास था ही, तो हमारे पास यहाँ बन चुका है मेटल वायर पर अगर कबूतर बैठेगा तो इसकी लेंथ में जो चेंज होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा, और ये अगर बहुत बहुत छोटा होगा तो मैं देख सकता हूँ कि ये आ चुका है अंडर रूट के अंदर में वन प्लस एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन, वेयर एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, तो हमें किसकी याद आ गई, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की याद आ गई। ये क्या कहता है, ये कहता है वन प्लस एक्स की पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, हाँ ठीक सर, है। तो यहां पर देखो ये क्या बन चुका है, हमारे पास बना वन प्लस एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर पावर वन बाई टू माइनस वन। तो ये वाली जो फॉर्म है क्या इससे मैच करती है क्या, जो अभी हमने देखा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से? हाँ सर, बिल्कुल करती है। कैसे चेक करेंगे सर? अरे देखो बाबा, ये वन प्लस समथिंग जो लिखा हुआ था, तो जो जो समथिंग की वैल्यू है क्या बहुत छोटी है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी छोटी है, और अगर बहुत है, छोटी यस है तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, हमारे पास में यस वी कैन से कि बाबा यहाँ पर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो वन प्लस एन एक्स आ जाता था वो, तो ये आ गया वन का वन प्लस एन की वैल्यू कितनी है बोलो, वन बाई टू 1/2, तो ये आ सर, जाएगा वन प्लस 1/2 इनटू ये जो बना हुआ है वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो अब माइनस वन तो था ही, तो देखो ये बन चुका है प्लस वन यहाँ माइनस वन यहाँ, कैंसल आउट हो गया, यस सर, ठीक है, प्लस यस वन सर, यहाँ माइनस वन यहाँ, कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू जो हमने फाइनल निकाली वो आ चुकी है 2x² अपॉन एल नॉट का स्क्वायर, डन। ठीक यस है, सर, अब आते हैं वापस स्ट्रेन के पास में, सॉरी स्ट्रेस के पास में। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई थी, एम जी अपॉन 2 sin थीटा डिवाइड बाय एरिया आ गया, ठीक है। हाँ सर, यस सर, ठीक है, तो अभी मैं कहता हूं कि बाबा हमें मालूम है कि x की वैल्यू बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी, बहुत छोटी है, तो x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है तो उससे बनने वाला जो एंगल है छोटी वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो छोटा, जाएगा। तो हाँ एंगल अगर छोटा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन टैन थीटा, और थीटा टैन थीटा की वैल्यू इस सवाल की वो जो डायग्राम था उसकी मदद से निकाले तो वो आ चुका है x अपॉन एल नॉट बाई टू। एल नॉट बाई टू, तो यस यहां से सर, हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्ट्रेस की वैल्यू जो आ चुकी है वो इतनी आ चुकी है। बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या संबंध होता है? स्ट्रेस इज स्ट्रेस इक्वल इक्वल्स टू टू यंग्स यंग्स मॉडुलस मॉडुलस इनटू इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो यहां पर देखो स्ट्रेस को लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, यंग्स मॉडुलस का वाई इनटू स्ट्रेन, अब बस इधर उधर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना एक्स बन चुका है, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर, डन 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 डन। यस ओके, सर, हाँ जी, यस हाँ सर, जी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर, नो सर, ओके, नो सर, परफेक्ट, नो सर, परफेक्ट। पर एक बार लास्ट सेकंड स्लाइड ऑन, सर ये लास्ट स्लाइड क्या? वो 10 वाला, टेन वाला ये रहा, हाँ अब क्या करना है इसका बोल, नहीं सर, लिखना है, 2 मिनट, लिखो 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 लिखो। हाँ समझ गया बाबा, समझ गया। सर वो डेल्टा एल का बताओ ना सर, एक बार डेल्टा एल बताऊं तो डेल्टा एल जो था, डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ के लिए अगर देखें तो एक मिनट, तो मैं देखता हूं कि ये जो लंबाई पहले थी वो कितनी थी, एल नॉट बाई टू थी, ये जो लंबाई थी वो एल नॉट बाई टू थी, ये जो दूरी थी ये कितनी है, एक्स है कि नहीं है? तो ये दूरी है एल नॉट बाई टू, ये दूरी है एक्स, तो बताओ ये जो बना हुआ है ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू का स्क्वायर,
ठीक है, और इसी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि बाबा हमारे पास फाइनल लेंथ आ चुकी है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू का स्क्वायर। इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल नॉट बाई टू। इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल नॉट बाई टू। तो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। समझे? हाँ सर, हाँ सर। तो सर, हाँ जी, वो स्ट्रेस जो था वो टी बाय ए है ना? हाँ जी, फोर्स अपॉन एरिया, तो टेंशन अपॉन एरिया, तो एम जी बाय टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया है ना? बिल्कुल है, ये देखो ना, एम जी बाय टू साइन थीटा डिवाइड बाय एरिया। तो फिर सर वो AMG by 2 sin theta क्यों नहीं? अरे बाबा ऐसा नहीं है रे, वो ओफो, ये ऐसा है कि इसको मैं अगर लिखूं तो ये लिखा हुआ है mg upon 2 sin theta divided by whole divided by a। हाँ सर, तो ये a जो होगा ना वो 1 upon a में आ जाएगा, समझे? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। ओके, नो सर, नो सर। चलो ठीक है, अभी एक और भारी भरकम सवाल करें। यस सर, यस सर, ये ओके सर। तो देखो ये है अपनी दीवार, दीवार के बीच का गैप कितना है? एल नॉट। ये है हमारी दीवार, दीवार के बीच का जो गैप है दैट इज एल नॉट। नाउ हमने क्या कर दिया, ये रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट, रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट, एग्जैक्टली लेंथ, जितना दीवार के बीच का गैप है उतना ही रॉड का लेंथ है, वो एल नॉट कर दिया। रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉडुलस y इज प्लेस्ड बिटवीन वॉल्स ऑफ सेपरेशन एल नॉट। ठीक है, वॉल्स हैं जिसके सेपरेशन कितना है? एल नॉट है। तो अब क्या कर दिया, यहां तक तो सब सही था। नाउ गिवन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा इज अल्फा एंड टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, देन फाइंड फोर्स जनरेटेड इन द रॉड। तो पहली बात तो कोई सवाल समझाना चाहेगा कि यहां पे फोर्स जनरेट होगा ही क्यों? लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन क्या लेंथ बढ़ने की जगह है क्या यहाँ पर? सर नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है। तो दीवार कहेगी भैया लेंथ नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन रॉड तो कहेगी लेंथ बढ़ने दो, है ना? तो फोर्स लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर लेंथ, रॉड कहेगी लेंथ बढ़ने दो, दीवार कहेगी ना बेटा ना, तो इसका मतलब वो लेंथ को बढ़ने नहीं देगा, और लेंथ को बढ़ने नहीं दिया तो यहां पर दीवार को उसको रोकना पड़ेगा यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही पूछा हुआ है, बताइए कितना फोर्स यहां पर जनरेट हुआ होगा। तो क्वेश्चन अब ये है आपके पास, इसको लगभग 3 मिनट लगेंगे, तीन मिनट में दे रहा हूं आपको, और सोचिए और बताइए। ओके, हाँ तो ओके, सर वो टेम्परेचर ऑफ रॉड के बाद क्या है? टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी। ओके, you
f इक्वल टू y इनटू अल्फा a डेल्टा t अपॉन l नॉट. सर 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 वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, वो चार्जिंग कम थी, वो चार्जिंग की मैंने. सर एक काम करो ना सर, आप सर जितने भी पहले स्लाइड्स हुए वो दिखाओ ना सर एक बार, वो मैं स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा एक. सर सर नहीं है. हाँ बाबा बोलो. सर वो सर वो आंसर बता रहा था, f इक्वल टू y अल्फा a इनटू डेल्टा t, f इक्वल टू y अल्फा a इनटू डेल्टा t, a इनटू डेल्टा t अपॉन l नॉट. l नॉट एक आंसर ही आया है. चलिए ठीक है, बाकी लोग देखते हैं. सर 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 वो पिछले स्लाइड सर प्लीज मुझे दिखाओ ना सर, मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा वो. मैं ये ले रहे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था. ले 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 ये क्या, यही वाली क्या सर? ये आज की जना सर, ये अभी पहला सवाल यहाँ हुआ है बाबा, पहला सवाल यहाँ से शुरू हुआ. मतलब यही हुआ अब तक सर? अरे बाबा वो लास्ट क्लास का लास्ट सवाल जो था ना उसको एक्सप्लेन कर रहे थे अभी तक अपन. अच्छा सर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ तो देखो ओके. एक आंसर ये आ गया, बाकी लोग कोई बताना चाहेगा? हेलो, सर वाई अल्फा ए डेल्टा टी, वाई अल्फा ए डेल्टा टी, वेरी गुड बच्चा. सर वाई ए ए यंग्स मॉड्यूलस इनटू अल्फा डेल्टा टी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. y अल्फा a डेल्टा t ये कर दिया ना आप लोगों ने? हाँ सर. वेरी गुड. अरे वाह यार, भारी सवाल तो भारी रहा ही नहीं फिर तो, सभी लोगों ने कर दिया, ये तो मजा ही आ गया मुझे तो. चलो 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 बताओ कौन बताना चाहेगा. अच्छा वो चॉकलेट क्वेश्चन नहीं दिया, नहीं तो अभी बैंड बज जाती है. सर चेंज इन लेंथ निकाला पहले और उसको पुट किया स्ट्रेन की वैल्यू में, ऐसा आ गया ना चेंज इन लेंथ तो. हाँ ठीक है. हाँ तो स्ट्रेन कितना आ गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू एल नॉट मतलब डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट, तो ये आ गया अल्फा डेल्टा टी. हाँ सर. तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस लिखूं तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. अरे वाह यार, तुम लोग तो मतलब बहुत आगे जा रहे हो मुझसे भी. फोर्स स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन एरिया इज इक्वल टू अल्फा मतलब सॉरी यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी. तो यहां से आ गया फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अल्फा ए इनटू डेल्टा टी. तो इस प्रकार से हमारे पास में आ चुका है, बताइए कितना फोर्स जनरेट हुआ. तो हमने बता दिया इतना फोर्स जनरेट हुआ. देखो किसी को कोई भी समस्या हो तो. ठीक है, समझे क्या, समझे क्या सब लोग? सर अभी दिखा तो देता हूँ, पहले समझ में आए तो बोल. नहीं ना सर, मैं अभी का आंसर. बस बस हो गया सर. तो इन दिस वे हमने लिख लिया है, इन दिस वे हमने कर लिया है. व्हाट वुड बी दी क्या करे, वॉट वुड बी द फोर्स जनरेटेड. अब देखो यहाँ पर जो सवाल देने का जो रीज़न था ना वो मैं आपको बताता हूँ, है ना. इस सवाल को अभी ये जो आंसर आ गया है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं, है ना, एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो गड़बड़ियाँ क्या हैं. तो देखना मैं आपको बताता हूँ कि ये है रॉड,
रॉड में ये है अपना रॉड की लंबाई एल नॉट। ये अपनी जिंदगी ऐसे आराम से कर रहे थे, है ना, ये तो है नॉर्मल जिंदगी। अब चाहिए अपने को कौन सी, मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी है तो परेशानी करनी पड़ेगी, मेंटोस जिंदगी है तो अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर दीवार नहीं होती तो लंबाई बढ़ जाती, लंबाई बढ़ जाती तो मैंने कह दिया कि इतनी लंबाई बढ़ जाती है ना, एक्स्ट्रा इतनी और हो जाती ना। मान लो एक साइड ये दीवार नहीं है, यहाँ पर दीवार नहीं है तो यहाँ पर लंबाई बढ़ने का मौका था, बढ़ने का मौका था, तो लंबाई बढ़ने का मौका था तो ये लंबाई कोई बता सकता है कितनी हो जाएगी, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर, ठीक है यस सर, ठीक है, अपने पास बढ़ने का मौका था तो मैंने कह दिया लंबाई जो फाइनल बन जाएगी एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम वापस से दीवार को इंट्रोड्यूस कर दें, अगर हम वापस से दीवार को इंट्रोड्यूस कर दें तो ये जो दीवार है वो फोर्स लगाना शुरू कर देगी, समझ रहे हो क्या? हाँ सर ठीक है, और अगर ये यस फोर्स लगाना शुरू कर सर, देगी तो यार याद करो स्ट्रेन में क्या लिखा जाता है, स्ट्रेन लिखा जाता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन एल अपॉन अपॉन इनिशियल अपॉन लेंथ, इनिशियल इनिशियल लेंथ लेंथ। और कौन सी इनिशियल लेंथ, फोर्स लगाने से पहले या वो जन्म के टाइम पे, कौन सी लेंथ? फोर्स लगाने से पहले, फोर्स लगाने के पहले। वेरी गुड, तो बताओ फोर्स लगाने से पहले वाली जो लेंथ रही है वो कितनी रही है इसकी? एल नॉट एल नॉट आ आ आ एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ, क्योंकि उस टेम्परेचर पर रॉड जो है वो इतनी लंबाई रखना चाहती है। तो इसका मतलब अगर दीवार नहीं होती तो रॉड इतनी लंबाई में होती। तो यहां पर अगर इनिशियल लेंथ लिखे तो इतनी लिखी जाएंगी, फाइनल लेंथ क्या हो चुकी है, दबा दिया गया तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई, एल नॉट हो चुकी है। हाँ तो सर ये फाइनल लेंथ आ गई है एल नॉट समझा सर, माइनस इनिशियल लेंथ कितनी आ गई, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन इनिशियल लेंथ। बोलो क्या लिखेंगे, एल नॉट एल नॉट वन एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से देखो ऊपर वाले में क्या बना, एल नॉट माइनस एल नॉट और फिर माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इन दिस वे दिस इज कमिंग आउट टू बी एल नॉट, से तो एल नॉट खलास और ये आ गया माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये एल नॉट से एल नॉट गया और ये आ गया माइनस अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, समझे क्या? हाँ सर तो ये हाँ माइनस आ सर रहा है, चलो ठीक है, स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर उठा लें तो ये माइनस भूल जाओ एक बार के लिए, तो अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो स्ट्रेन अपने पास माइनस माइनस छोड़ दो, स्ट्रेन जो आ चुका है वो अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। बोलो समझे क्या? ठीक हाँ सर हाँ सर हाँ है, सर अगर स्ट्रेन यस इतना आ सर गया है, अभी रुको, स्ट्रेन अगर इतना आ गया है तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का संबंध तो मुझे पता है, फोर्स अपॉन एरिया इज यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन सर आपने तो अभी पिछली बार आंसर कुछ और बताया था, वो तो आपने बताया था वाई हाँ ए सर अल्फा डेल्टा टी, यहां पर तो आपने बता दिया वाई ए अल्फा डेल्टा टी तो है ही, लेकिन डिनोमिनेटर में सर आप वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बोल रहे हो, लेकिन डिनोमिनेटर में सर आप वन प्लस अल्फा डेल्टा डी बोल रहे हो, तो सर क्या ये दोनों आंसर सेम हैं कि अलग अलग हैं? तो आपका क्या मानना है? अलग है अलग 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 है अलग है, बिल्कुल ये आंसर अलग क्या अलग करे अलग हो है। अब मैं आपको याद दिला देता हूं कि अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है कि बहुत छोटी, सर बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती छोटी। है तो अल्फा छोटी की वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है तो माई क्वेश्चन इज दैट कि बाबा ये जो डिनोमिनेटर है ये अल्फा डेल्टा टी तो बहुत छोटा है, तो वन प्लस बहुत छोटी वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली वन वन ही आ जाएगा ना। हाँ सर हाँ तो इसका मतलब सर हमारे हाँ पास हाँ में सर जो फोर्स जनरेट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली बना हुआ है वाई अल्फा ए डेल्टा टी। इसका मतलब अभी जो आपका आंसर आया था ना
वो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट था। था। अगर एग्जैक्ट आंसर दे दिया जाए तो दिस वुड बी एग्जैक्ट आंसर, दिस वुड बी एग्जैक्ट आंसर। तो सर इससे क्या फर्क पड़ गया अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट? तो देखो यार, अपने पास जो एग्जामिनेशन होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल, है ना, एबीसीडी ऑप्शंस होते हैं अपने पास, और एबीसीडी ऑप्शंस होते हैं तो यू कैन सी दैट बाबा कि ये अगर मान लो ऑप्शंस में ये भी दे दिया और ये भी दे दिया तो कौन सा चूज करेंगे? पहला वाला। अगर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ ये दिया तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, आउट ऑफ दीज टू आंसर्स, आउट ऑफ दीज टू आंसर्स दिस इज बेटर आंसर, दिस इज मोर करेक्ट आंसर। Yes, सही है, सब लोग yes, समझ रहे हैं। मल्टीपल में दो, हाँ कुछ सर, मल्टीपल में बोलो, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में सर। अरे तब भी यही रहेगा, अरे ऐसा कोई गधा नहीं होगा जो ऐसे सवाल बना रहा होगा, है ना, जो पेपर बनाते हैं ना समझदार लोग हैं, है ना, तो उनके पास थॉट प्रोसेस क्लियर रहती है। अगर किसी ने ये दोनों आंसर देते हुए मोर देन वन करेक्ट आंसर का पेपर बना दिया तो इसका मतलब उसकी थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ वो जो पेपर बनाते हैं 90% ऑफ द टाइम सही लोग होते हैं, है ना। अब 10% हो सकता है, बट 90% के लिए अपन तैयारी करेंगे। अब 10% गलतियों के लिए तो कोई तैयार नहीं कर सकता ना, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर स्टूपिडिटी, कैन यू? नो सर, है ना, यू कैन ओनली प्रिपेयर विद द लॉजिक, है ना, यू कैन ओनली प्रिपेयर विद द लॉजिक, स्टूपिडिटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते आप अपने आप को, समझ रहे हो ना बाबा? हाँ सर, यस सर। तो चलो आगे बात करते हैं। ऊपर को ना सर, वो लिखना है, ये लो जी ऊपर का, ये लो, इससे वो भी ऊपर गया। नहीं सर, नहीं सर, ये बस तो ऊपर ले लो सर। हाँ ये लो, लो ऊपर लो, ये लो, ये इतना कर लिया, ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये रहा। हाँ जी, हो गया सर। ओके, नीचे ले लो, नीचे लो, तो ये नीचे ले लो। सर सर वो चेंज इन लेंथ नहीं समझ आया सर मेरे। देखो चेंज इन लेंथ मतलब क्या, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना। हाँ सर। तो अब देखो कि जब हमने ये, एक बार इमेजिन कर लो कि ये दीवार नहीं थी, यहाँ पर ये वाली दीवार गायब कर दी, है ना, वो कौन सी थी, मिस्टर इंडिया थी ना, मिस्टर इंडिया मूवी देखी क्या? हाँ सर। हाँ, तो बस इसको गायब कर दिया उस तरह से, मिस्टर इंडिया की तरह से। अगर उसको गायब कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा ये शुरुआत में इसकी लेंथ कितनी थी? एल नॉट थी। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो खुद रॉड अपनी लंबाई को चेंज करना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? हाँ, करेगी सर। करेगी, करा चाहेगी। और अगर वो लेंथ को चेंज करना चाहेगी तो उसकी जब उस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज करने के बाद में जो लेंथ बन चुकी है वो कितनी बन जाएगी? एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बन चुकी होगी। हाँ। बन गई क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब दीवार का फोर्स लगाने से पहले, है ना, दीवार ने कोई फोर्स नहीं लगाया, उससे पहले ही इसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, yes. अब दूसरी बात कि अब दीवार का फोर्स अगर लग गया, है ना, दीवार का फोर्स अगर लग गया तो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो बताओ फोर्स लगने से पहले लेंथ तो बाद में चेंज किया था ना? अरे रुक तो जा, अभी पूरी बात कर लेता हूँ, ये पूरी बात कर लेता हूँ। दीवार की मतलब टेम्परेचर चेंज करने से पहले ये सभी चीजें जो कर रहे हैं वो इमेजिनेशन में कर रहे हैं बाबा। ये नंबर जो तुमने सवाल पूछा, वो जो पूछा है, तुम ये सोच रहे हो कि दीवार हमेशा है, लेकिन हमेशा दीवार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम ये जो चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें इमेजिनेशन में कर रहे हैं, सारी चीजें कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे, मतलब सारी चीजें ये पैरेलली हो रही होंगी, टेम्परेचर चेंज भी हो रहा होगा, फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा, ये एक साथ हो रहा होगा, लेकिन हमने क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप कर लिया।
कि पहले लेंथ को चेंज करवा दिया, यस सर, फिर फोर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है? हाँ ओके, तो फोर्स और टेम्परेचर एक साथ चेंज हो रहा, वो दोनों ही होगा ना बाबा, जैसे पहले टेम्परेचर कम था तो कोई फोर्स नहीं था, फिर फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ बढ़ने लगी, लेंथ बढ़ने लगी तो फोर्स भी बढ़ने लगा, लेंथ और बढ़ने लगी फोर्स बढ़ने लगा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझे। हाँ तो अभी इस तरह से हमारा बन जाएगा, है ना, ये लेंथ का चेंज आ गया, स्ट्रेन वगैरह आ गया। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? नहीं सर। ओके हाँ जी वो सर, वो सर लेंथ एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यों लिया सर, मतलब टेम्परेचर तो बाद में चेंज किया था हमने सर, वो डाउट था। अरे मैं वही कह रहा हूँ बाबा कि इमेजिन दिस कि वॉल इज नॉट देयर, ठीक है? हाँ तो तो एल नॉट होगी फिर इनिशियल, तो इनिशियल लेंथ इज एल नॉट और अब टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो लेंथ विल इंक्रीज, समझे यहां तक? हाँ सर। बट अब यहां पर मैं देखता हूं लेंथ चेंज हो चुका है तो उसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? अब देखो कि दीवार तो ऐसे गायब तो हुई नहीं थी, दीवार तो वहीं पर थी ऑलवेज। हाँ तो दीवार के होने की वजह से उसकी जो लंबाई है वो एल नॉट ही बनी रही, यस। और होनी कितनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ तो फोर्स लगने से पहले उसकी लंबाई होनी चाहिए थी एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर। और फोर्स लगने के बाद में उसकी लंबाई कितनी हो गई है, वो एल नॉट हो चुकी है, एल नॉट, ठीक है? यस सर, मतलब सर वापस दीवार को हमने लगा रखा बाद में। हाँ सही है सर। अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है ना, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नीचे नेक्स्ट स्लाइड, नीचे वाली साइड। हाँ जी तो ये लो जी सर, आप छुट्टी में रहेंगे ना सर, तो रिवीजन होने वाली है क्या, पोर्शन कंटिन्यू होने वाला है? ये कंटिन्यू रहेगा वाला। हाँ सर ठीक है। नाउ सर कौन आने वाले हैं? आज शाम तक फाइनल हो जाएगा, आज शाम तक फाइनल हो जाएगा सर। ऊपर लो एक बार। अच्छा ये लो सर, लिखा ही है वो स्लाइड लास्ट, ये लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, अगला सवाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर सर, दो मिनट पर आ पाता हूँ सर फिर से। ये लो बाबा, हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, हमने क्या कर दिए है कि ये यहाँ पर इस तरह से दो हिंजेस लगा दिए और बीच में लगा दी रस्सी। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया कि इनके बीच का जो गैप है ये कह दिया एल नॉट है। तो लिखें, सवाल लिखें, इनिशियली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल नॉट, इनिशियली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल नॉट, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, and Young's modulus is y, and Young's modulus is y, Young's modulus is y. Now the टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर इज इन डिक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, एंड कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ
ये बीच में क्या वायर बोला है कि रॉड बोला है मैंने, क्या बोला ये? स्ट्रिंग बोला, स्ट्रिंग बोला, हाँ, तो स्ट्रिंग बोला। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्ट्रिंग इज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज अल्फा, देन फाइंड टेंशन जनरेटेड फाइंड द टेंशन जनरेटेड फाइंड द टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। सर हाँ जी, क्रॉस सेक्शन इतने एरिया कितना बोला सर? एरिया बड़ा, ए ए। हाँ सर, दोबारा बोलो आंसर क्या है, टेंशन जनरेटेड कितना बोल रहा है? माइनस माइनस डेल्टा डेल्टा टी अल्फा इनटू ए, डेल्टा टी अल्फा इनटू ए, इतना। यंग्स मॉडुलस वाई ले लेना, है ना, यंग्स मॉडुलस इज वाई वाई। बाबा टेंशन फोर्स है, फोर्स कभी नेगेटिव नेगेटिव का मतलब कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बाबा, बिल्कुल सही। तो हाँ जी, दिस वुड बी द राइट आंसर। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, व्हाट डू वी डू। देखो अभी क्या है कि एकदम एक्यूरेट करें कि अप्रोक्सीमेट करें? तो मैं देख लेता हूं कि बाबा यहां पर ये था, ऐसा था, इसकी लंबाई L नॉट थी। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो फाइनल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? L नॉट वन, L नॉट L1 तो इसका मतलब ये रस्सी अगर बंधी हुई नहीं होती, अगर ये फ्री टू मूव होती, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए थी? L नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी। ठीक है, अगर ये बंधी हुई होती तो इसकी लंबाई होनी चाहिए थी L नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी। ठीक है सर। हाँ सर, इसमें माइनस साइन कैसे आया सर? टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है? अच्छा ठीक है, कम हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, यस दूसरी बात, मेरे पास एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी ये तो आ चुकी है इसकी मतलब टेम्परेचर कम करने के बाद में लंबाई। लेकिन ये बार एक बार बताओ कि ये जो हिंजेस हैं या जो रस्सी बंधी हुई है वो तो बंधी है ना, वो तो फिक्स्ड है, वो तो कुछ होगा कि कम ज्यादा? अरे क्या म्यूजिक बना रहा है क्या इधर? हाँ जी, तो मैं फिर से बोलता हूं कि यहां पर दो हिंजेस के बीच का जो गैप है वो तो फिक्स्ड है ना, तो रस्सी रस्सी की जो लंबाई है अल्टीमेटली जो फाइनली हमें दिखेगी वो कितनी दिखेगी? L नॉट दिखेगा। तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ अगर लिखें तो स्ट्रेन अगर लिखा जाएगा
तो स्ट्रेन वुड बी चेंज इन लेंथ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ कितना है? दैट इज एल नॉट. इनिशियल लेंथ कितना है? एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा. वेरी गुड. डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ बोल दो कितनी है. एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा. वेरी गुड बच्चा. तो यहां से देखो कितना आ गया, ऊपर आ चुका है एल नॉट माइनस और ये आ चुका है एल नॉट और ये एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी. तो यहां से ये माइनस और ये माइनस और ये आ चुका है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी. तो एल नॉट से एल नॉट का लॉस ये आ चुका है अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन माइनस अल्फा डेल्टा टी. इज इट क्लियर? यंग अब मैं लिखता हूं स्ट्रेस. तो स्ट्रेस कितना लिखा जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया और स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. तो टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन माइनस अल्फा डेल्टा टी. सही है? ठीक है. ठीक है इतना बन गया. तो अभी यहां पर बना है टेंशन इज. हाँ जी बोलो सर. वो रॉड ऑफ लेंथ का क्वेश्चन करने के बाद आपने कौन सा क्वेश्चन लिया सर? यही तो लिया. उसकी स्लाइड बताऊंगे क्या? अभी रुक तो जा, मैं समझा रहा हूं ना, बीच में कैसे बताऊं? हां सर, बाद में तो अभी रुक जाना रे बाबा, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का, है ना. जो भी पूछना है थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर उसके बाद जो पूछना है पूछो. हां सर. हां जी. तो मेरे पास यहां पर बन चुका है टेंशन की जो वैल्यू बन गई है दैट इज y a अल्फा डेल्टा t अपॉन 1 माइनस अल्फा डेल्टा t और अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी. समझे क्या? समझे. हाँ जी. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका कितना टेंशन फोर्स जनरेट होगा. डन डन सर. ओके. तो अब बताओ किसको क्या देखना है. ये रहा सवाल. सर पिछले क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया सर. माइनस को क्यों छोड़ दिया? अरे बाबा यंग्स मॉडुलस बराबर सॉरी स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन था. अभी मेरे को जो चेंज इन लेंथ चाहिए था, अपने को यहाँ पर सारा मैग्नीट्यूड चाहिए था ना. ये जो स्ट्रेन है ये तो एक पॉजिटिव नंबर बनेगा ना. वो तो अपन ने क्या कर दिया कि ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कर दिया, इस चक्कर में नेगेटिव आ गया है वो. ओके सर. हाँ तो आगे बढ़े सर, थोड़ा ऊपर करो. ये तो पिछला सवाल है. हाँ, उसके नीचे थोड़ा और बस बस सर बस. सर बोलो. सर बोलो बाबा बोलो. सर ये क्वेश्चन एक बार शॉर्ट में बोल दो ना प्लीज. शुरुआत करी थी बताओ मैंने. इनिशियली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. इनिशियली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल नॉट एंड इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू पॉइंट्स विद सेपरेशन एल नॉट. इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू पॉइंट्स विद सेपरेशन एल नॉट. With separation L naught, Young's modulus of the string is y. Young's modulus of the string is y, and cross-section area is a. And temperature of the string is decreased by delta t. And temperature of the string is decreased by delta t. Is decreased by delta t. Coefficient of thermal expansion of the string is alpha. Coefficient of thermal expansion of the string is alpha. Coefficient of thermal expansion. सर क्वेश्चन है मेरे पास. फिर क्या चाहिए? सर नीचे वाली स्लाइड दिखाओ सर. सर एक्सप्लेनेशन.
तो यह सवाल खत्म करने के बाद में तुम बताते हो कि सर ये नहीं चाहिए वो चाहिए, मतलब कॉमेडी लगा रखी है तुमने तो यहाँ। नहीं सर आपका चाहिए। हाँ अरे बाबा आपने पूछा पहले तो इसीलिए मैंने नहीं बोला। क्या चाहिए सर आप बोल रहे थे इसीलिए बीच में नहीं बोला आपके। ओ हो 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 अरे बाबा लेकिन ये तो अलग केस था ना। सॉरी सर। ए बाबा ये कॉमेडी कर रहे हो तुम, स्टैंड अप एंड अप ट्राई करो ना, ये क्या कर रहे हो आईआईटी जेई वगैरह। सर एक मिनट सर लास्ट स्लाइड दिखा दो सर। ये लो लास्ट स्लाइड भी ले लो। डन चलो बाबा तो देखो यार अपने को क्या चाहिए था, स्ट्रेन चाहिए था। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अगर रस्सी की लंबाई को देखा जाए खुद के हिसाब से चेंज करने के लिए तो इनिशियली एल नॉट था, टेम्परेचर चेंज करने के बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी, एल नॉट वन प्लस वन माइनस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कम किया है ना अपन ने, तो इस वजह से ये बन जाएगा वन माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर अगर वन माइनस लेंथ इतना बन गया है लेकिन उस लंबाई को तो अपन ने फिक्स रखा है, इसका मतलब रस्सी चाहती है उसकी लंबाई हो जाए एल नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन फोर्स लगा के उसकी लंबाई को कितना कर दिया गया है, एल नॉट कर दिया गया है। ठीक है ना। हाँ सर। तो फोर्स लगा के अपन ने उसकी लंबाई को एल नॉट कर दिया है। हाँ सर। तो इसके आधार पर हमने कहा कि बाबा चेंज इन लेंथ हमारे पास इतनी बन गई, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, रिमेंबर इनिशियल लेंथ कितनी थी, इतनी थी, फाइनल लेंथ कितनी थी, एल नॉट थी। ठीक है सर, ऐसे केस में जल्दी रस्सी टूट जाती है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी वगैरह, काफी फैक्टर पर है, ऐसे नहीं पता लगेगा आपको। ठीक है, तो इन दिस वे हम क्या कर लेते हैं, यहां पर स्ट्रेस इज इक्वल टू इतना और स्ट्रेस की वैल्यू इतनी बन गई। कोई समस्या हो तो बताओ। डन डन डन। हाँ सर। ओके सर। ठीक है बच्चा, तो चलो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं।